उसे नारियल दो, तीखा लगा, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं चंद्रकाश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार नई वीडियो के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो आपको एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये मुग़ल आर्किटेक्चर की निशानी है। तो मुग़ल आर्किटेक्चर से बना हुआ ये दरवाज़ा है। तो बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि गदर फिल्म की लोकेशन, तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको गदर फिल्म की जो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में शूटिंग हुई थी, सन 2001 में ये फिल्म आई थी, सनी देओल की मूवी थी और इस मूवी की वजह से सनी देओल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, ये सभी आपको मालूम होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको मालूम नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ये जो रूमी दरवाज़ा है लखनऊ शहर में स्थित है, इस जगह पर है बड़ा इमामबाड़ा, इसे एक भूल भुलैया के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भूल भुलैया है, इसमें गुम जाता है आदमी। तो इन्हीं सभी जगह पर शूटिंग हुई थी। इन जगह पर बेसिकली सनी देओल है ना, क्या करते हैं कि ट्रक से जीप वीप को उड़ा देते हैं जब वो पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है, वहाँ से अपने बीवी को और बच्चे को लेके भागते हैं, तब यहाँ से जीप से गाड़ी उड़ा देते हैं, उधर ट्रक उड़ा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ सीन है। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर में मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आपको फिल्म की लोकेशन दिखाने वाला हूँ। जो पीछे आप दरवाजा देख रहे हैं, तो अभी इसका रिनोवेशन का काम हो रहा है। यहाँ पर तीन दरवाजे बने हुए हैं, इसमें से जो बीच वाला दरवाज़ा है ना, यहाँ से सनी पाजी जो है ना, इस दरवाजे से अपना जो ट्रक लेकर आते हैं और एक जो पीछे पाकिस्तानी सेना के जो लोग होते हैं वो बम फेंकते हैं और उससे एक ट्रक यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाता है, उड़ जाता है। तो वो दृश्य यहाँ से दिखाया गया है। पुरानी गदर मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये हुसैनाबाद ट्रस्ट मार्ग रोड है, तो इसी जगह पर शूट किए गए हैं। हालांकि गदर 2 फिल्म की शूटिंग भी लखनऊ में ही हुई है, तो इस जगह हुई है ये तो कन्फर्म नहीं कह सकते। लेकिन ट्रेलर में एक जगह दिखाई पड़ती है जो उधर की साइड है, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो के अंत तक में। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ से जुड़ी कुछ जानकारियाँ भी दे देता हूँ। तो जैसा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट मार्ग रोड पर ये स्थित है और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, तो ये उसका एक हेरिटेज साइट है। यहाँ पर देखिए आप, हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक करके एक बोर्ड बनाया गया है, जिसपे यहाँ पर जो उस समय में नवाबों के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर बताया गया है जामा मस्जिद, सतकंडा, हुसैनाबाद, बारादरी, घंटाघर और भी कई सारी जो जानकारियाँ हैं इधर है बड़ा इमामबाड़ा। तो बड़ा इमामबाड़ा यहाँ की एक मुख्य इमारत है। बड़ा इमामबाड़ा जो है ना, वो 1785 से 1795 के मध्य में बनाई गई ये इमारत है और इसे मरहूम हुसैन अली की याद में बनाया गया था। इस जो इमारत को है उनकी शहादत की याद में बनाया गया था और बनाने वाले जो हैं वो लखनऊ के नवाब आसिफ़ुद्दौला जी नाम है उनका, तो उन्होंने ही इस इमारत को बनवाया था उस समय में। तो उस समय मुग़ल राज था भारत में और तब नवाबों के द्वारा बनाई गई इमारत है। अच्छा, यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित एक दरवाज़ा और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इमारत आप देख रहे हैं 10 लाख रुपए की कीमत में इस को बनाया गया था और काफ़ी समय पहले, यानी कि देखिए आप 1785 में 10 लाख रुपए में इसे बनाया गया था और सालाना इसकी मेंटेनेंस पे 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च किया जाता था इसको मेंटेन करने के लिए। उस ज़माने में 5 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं। फिल्म के अंदर में सनी देओल गाड़ी लेके जाते हैं, वाइड एंगल में कर देना, वाइड एंगल में। तो इस जगह पे क्या होता है, सनी देओल जी ट्रक लेके जाते हैं और यहाँ पर एक जीप होती है
तो उसे उड़ा देते हैं सनी देओल जी। एक्चुअली में क्या होता है, फिल्म के अंदर में दृश्य कुछ इस प्रकार से होता है कि उनके जो बेटे को है चोट लग जाती है गाड़ी के अंदर ही और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो यहाँ पे जीप उड़ाने का दृश्य दिखाया गया है। तो पहले जो भी राजा ज़्यादातर मुगल शासक जो भी थे वो ईरान के खलीफा तो आप समझ रहे होंगे, तो ईरान के जो खलीफा होते थे उनसे उपाधि लेकर ही शासन करते थे। तो ईरान की मुगल शैली के अनुसार इसे बनाया गया है। अंदर आप देख सकते हैं जूम करके, इसके अंदर एक चौक भी है बड़ा सारा, तो कुछ फोटोज़ होगी तो वो मैं लगा दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमारत है, पुरानी है, और एक दरवाजा इधर भी है, इसे भी वाइड एंगल में करके दिखा दीजिए। तो यहाँ की ऐतिहासिक साइट के बारे में भी मैंने आपको बताया, फिल्म की लोकेशन भी दिखाई। तो यहाँ से ही कुछ दूरी पर वो पुल भी स्थित है जहाँ पे सनी देओल ट्रक उड़ाते हैं और पुल का दृश्य दिखाई देता है, पुल में भी बम फूटते हैं, तो वो सीन भी हम अभी आपको मैच करवाएंगे। अभी मैं हुसैनाबाद मार्ग से होकर इस पुल तक पहुँच चुका हूँ। तो ये जो पुल है ना, बेसिकली लखनऊ शहर की एक प्रसिद्ध नदी है गोमती नदी, तो उसी के ऊपर में ये पुल बना हुआ है और इस पुल के ऊपर में फिल्म की जो है सीन शूट किए गए थे। फिल्म के अंदर में जब तारा सिंह पाकिस्तान से, तारा सिंह से मैं आपको मैच करवा देता हूँ स्क्रीन शॉट के माध्यम से। एक दृश्य और आपको दिखाई दे रहा होगा इसी गोमती नदी का, देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रदूषित इस नदी को कर दिया गया है लखनऊ में। यहाँ पर ये कुछ रंगाई का कार्य चल रहा है, तो ये देख सकते हैं दोनों तरफ और इसके कुछ और भी जगह पर इसी प्रकार से। यहाँ पर देखिए कपड़े सुखाए जा रहे हैं, रंग किए जा रहे हैं और पानी को काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित कर दिया गया है। अभी हम पहुँच चुके हैं पुल के दूसरी साइड, आप देख सकते हैं यहाँ से पुल का वो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा जो फिल्म के अंदर में दिखाया गया है। देख सकते हैं इस सीन को, इस दृश्य को फिल्म के अंदर में दिखाया गया है। इसके साथ ही एक चीज़ और आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से जो है जल को प्रदूषित किया जा रहा है। बड़े सोचने वाला विषय है कि आज मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और प्रकृति के द्वारा दिए गए ऐसे संसाधनों को, ऐसे स्रोत को नष्ट करता जा रहा है और हम अपने आप को खुद ही बीमार कर रहे हैं। क्या आपकी सोच है वो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी वीडियो का अंत नहीं हुआ है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको अभी गदर 2 की लोकेशन दिखाने वाला हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं गदर 2 की फिल्म की लोकेशन पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ना, ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये रूमी दरवाज़ा है जो कि छोटा रूमी दरवाज़ा है, तो बड़े रूमी दरवाजे के सामने ही ये स्थित है। और जब फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पर, तो पाकिस्तान दिखाने के लिए इस जगह पर, इस दरवाजे पर ग्रीन शीट दिखाई गई है। जो आपने फुटेज देखी है उसके अंदर में ये दरवाज़ा आपको अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा और ट्रेलर में भी आपने अलग तरीके से देखा है। फिल्म के ट्रेलर के इस सीन में आप देख सकते हैं जो आपको टावर दिखाई दे रहा है, ये लखनऊ का वॉच टावर है, देख सकते हो आप। इस सीन में आप देख सकते हैं ये लखनऊ के हेरिटेज वॉक की ही एक गली है जिसे फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में पाकिस्तान दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये सतकंडा महल है जो कि लखनऊ में ही स्थित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको गदर और गदर 2 फिल्म की लोकेशन दिखाई, लखनऊ के जो ऐतिहासिक स्मारक है वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नई लोकेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।